मशहूर शायर अदीब दानिश्वर जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में आला तालीम याफ्ता और मजहबी घराने में पैदा हुए। जॉन एलिया के वालिद सईद शफीक हसन एलिया अपने दौर के मुअल्लिम, फिलासफर और दानिश्वर थे। जॉन बचपन ही से इनकलाबी फिक्र के हामिल इंसान थे। जॉन एलिया मारूफ साफी रईस अमरूही और फलसफी सईद मोहम्मद तकी के भाई और मशहूर कालम निगार जाहिदा हिना के साबिक शोहर थे। इसके अलावा जॉन के बांजे सादिकैन थे, जो मुमताज मुसव्विर और खत्तात होने के साथ साथ रुबाई के उम्दा शायर भी थे। जॉन एलिया को अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और इबरानी जबान में आला महारत हासिल थी। जॉन की शायरी के 5 मजमूए शायद यानी गुमान, लेकिन और गोया आ चुके हैं। एक किताब फरनूत के नाम से भी दस्तयाब है। यह जॉन एलिया के 7 मजामीन और कोई 180 से जायद इंशाइयों और इदारियों पर मुश्तमिल दस्तावीज़ है। दरअसल जॉन एलिया खुद अपने हिसाब के आदमी थे। मुझे लगता है कि वो शायरी को छपवाने से ज़्यादा सुनाने की चीज़ समझते थे, यानी इन्हें लगता था कि शेर सुनाते हुए वो हर शेर में जो एक हालत और कैफियत शामिल करते थे, शायद वो पूरी तरह शेर में आती नहीं। उनका फी बतन शायर बहुत मुस्तहकम था। ये भी उनके गुमान का गुमान है, क्योंकि जिन्होंने उनका शेर पढ़ा है वो भी तो एक हालत व कैफियत में जाते और आते हैं, तो उसे क्या कहा जाए। जॉन अपने लड़कपन में बहुत हसास थे। इन दिनों उनकी कुल तवज्जो का मरकज एक ख्याली महबूब किरदार सूफिया थी। उनके गुस्से का निशाना मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंग्रेज काबिज थे। वो इब्तदाई मुस्लिम दौर की तारीख और ड्रामाई सूरत में दिखाते थे, जिस वजह से उनके इस्लामी तारीख के इल्म के बहुत से मद्दा थे। जॉन के मुताबिक उनकी इब्तदाई शायरी स्टेज ड्रामे की मुकालिमाती फितरत का तासुर थी। एलिया के एक करीबी रफीक सईद मुमताज सईद बताते हैं कि एलिया अमरोहा के सईदुल मदारिसिन के भी तालिब इल्म रहे हैं। यह मदरसा अमरोहा में अहले तशय्यो हजरात का एक मोतबर मजहबी मरकज रहा है। चूंकि जॉन एलिया खुद शिया थे, इसलिए वो अपनी शायरी में जा बजा शियों के हवालों का खूब इस्तेमाल करते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक से इन्हें खुसूसी अकीदत थी और इन्हें अपने सईद होने पर भी नाज था। सईद कहते थे, चूंकि जॉन को जबानों से खुसूसी लगाव था, वो इन्हें बगैर किसी कोशिश के सीख लेता था। अरबी और फारसी के अलावा जो उन्होंने मदरसे में सीखी थी, उन्होंने अंग्रेजी और जुजवी तौर पर इब्रानी में कुछ महारत हासिल कर ली थी। जॉन अपनी जवानी में कम्युनिस्ट ख्यालात रखने की वजह से हिंदुस्तान की तकसीम के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन बाद में उसे एक समझौता के तौर पर कबूल कर लिया। एलिया ने 1957 में पाकिस्तान हिजरत की और कराची को अपना मस्कन बनाया। जल्द ही वो शहर के अदबी हलकों में मकबूल हो गए। उनकी शायरी उनके मुतनव्व मुताले की आदत का वाज़ह सबूत थी, जिस वजह से इन्हें वसी मदा और पज़ीराई नसीब हुई। जॉन की इज़दवाजी ज़िंदगी। जॉन एक अदबी रिसाले इंशा से बतौर मुदीर वाबस्ता रहे, जहां उनकी मुलाकात उर्दू की एक मुसन्निफा जाहिदा हिना से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी कर ली। जाहिदा हिना अपने अंदाज की एक तरक्की पसंद दानिश्वर हैं और अब भी 2 रोज़नामों जंग और एक्सप्रेस में हालात हाजरा और माशरती मौजूआत पर लिखती हैं। जॉन के जाहिदा हिना से 2 बेटियाँ और 1 बेटा पैदा हुए। 1980 की दहाई के वसत में उनकी तलाक हो गई। इसके बाद तन्हाई के बाइस जॉन की हालत अबतर हो गई और उन्होंने शराब नोशी शुरू कर दी। जॉन एलिया मुशायरों को लूट लेने का फन जानते थे। उनकी खासियत उनका खूबसूरत अंदाज बयान और दूसरा वो अपनी पसंद को सामीन की पसंद बना दिया करते थे। अगर ये कहा जाए कि फ़नून लतीफ़ा को उन पर नाज होना चाहिए तो गालिबन बेजा ना होगा। जॉन अंदरूनी दुनिया का मुखनी है और ऐसा कोई भी फनकार जो साइब फिक्र और बेरिया हो, जब ये देखता हो कि बाहर की दुनिया से अलग है तो वो भीड़ में अकेला महसूस करता है और ये एहसास बेगानगी रफ्ता रफ्ता शिद्दत तनाही में जम हो जाती है। फनकार का ये करप उसे मजहूल जहनी कैफियत में मुबतला कर देता है। जॉन कहते हैं, रोशनी भर गई निगाहों में, रोशनी भर गई निगाहों में, हो गए ख्वाब बे अमा जाना, हाल ये है कि ख्वाहिश पुरसिश हाल भी नहीं, हाल ये है कि ख्वाहिश
پرسش حال بھی نہیں اس کا خیال بھی نہیں اپنا خیال بھی نہیں میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ اب کی میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب صبح فراق بھی نہیں شام وصال بھی نہیں۔ 8 نومبر 2002 کو اردو کے ممتاز شاعر جون ایلیا کراچی میں وفات پا گئے۔ جون ایلیا کا اصل نام سعید جون اصغر تھا۔